ठीक, कोई डाउट इसमें? ये क्वेश्चन बीच वाला बाद में करेंगे, ये भी नहीं हो सकता सॉल्व, इसको अगली बार करना है। अभी आप ओपन करो शीट नंबर 80, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो शीट नंबर 80 का प्रिंट आउट लें प्लीज। आपके इसमें है जो मैंने कंबाइन करके दी है, जो आपको शीट मिली है वो 79 और 80 को स्टेपल करके दी है मैंने, पर जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो प्लीज अपनी शीट अलग से ले। 80 देखो, हमने अभी तक क्या किया, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा, ये किया। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला वैसे तो हमने किया डी फाई बाई डी टी माइनस डी फाई बाई डी टी, पर अगर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो एन, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एन के साथ। इंपॉर्टेंट मार्क करो इसे, सेकंड फॉर्मूले को बॉक्स में डालो। तो इसमें हमने एक लूप लिया तो माइनस डी फाई बाई डी टी, अगर नंबर ऑफ लूप एन हो तो एन इंटू डी फाई बाई डी टी। कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट है, अगर आप डिफरेंशिएशन यूज करते हो डी फाई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज तो इंस्टेंटेनियस ई एम एफ है, लेकिन अगर आप इसको डी फाई की जगह डेल्टा फाई और डेल्टा टी यूज करते हो तो एवरेज ई एम एफ है, यानी कि टोटल चेंज बाई टोटल टाइम। तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। और अगर किसी भी लूप में करंट निकालना है तो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ ई एम एफ निकाल लो अपॉन उसके रेजिस्टेंस से उसे डिवाइड कर दो, तो माइनस साइन लेने की फिर जरूरत नहीं है, पर आपको मैग्नीट्यूड ही निकालना है, राइट? तो क्वेश्चन नंबर वन में आपको वो ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसका एरिया कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक, एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसका एरिया आप निकाल सकते हो। तो एरिया पता है आपको, तो इस क्वेश्चन में आपको ए पता है, तो इस क्वेश्चन में आपको एरिया पता है। प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी पता है, ठीक, एंड प्लेन नॉर्मल टू दी फील्ड, ये इंपॉर्टेंट है। लूप का अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड ये रहा तो इसका प्लेन नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री पे ऐसे। तो बताओ बी में और एरिया में एंगल कितना है? वाह जी वाह, शाबाश, जीरो, कमाल है यार। ये बी वेक्टर है और ये लूप है, लूप का एरिया वेक्टर ये नहीं बनेगा, लूप का एरिया वेक्टर ये बनेगा। बी और एरिया में एंगल क्या हुआ? जीरो। पॉइंट समझ में आया? यार एंगल मुझे लूप का थोड़ी ना लेना है, मुझे फ्लक्स की कैलकुलेशन में एंगल किसमें लेना है? बी में और एरिया वेक्टर में, लूप में नहीं लेना। तो एक ट्रिक बताता हूं मैं, हमने पहले भी यूज की टॉर्क में, अगर आपको लूप का एंगल गिवन है थीटा, तो फिर आप एक काम करो, आप 90 में से माइनस कर दो, वो अपने आप ही एरिया वेक्टर का एंगल आ जाएगा। आपको याद है टॉर्क के दो फॉर्मूलाज निकाले थे, एन बी आई ए कॉस, एन बी आई ए साइन। तो अगर लूप का एंगल गिवन हो और आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का निकालना हो तो 90 में से माइनस कर देते हैं, जैसे इसमें लूप का एंगल कितना है 90, तो फिर परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर का एंगल क्या होगा? 90 माइनस 90 इज जीरो, जीरो। ठीक, तो फ्लक्स क्या आएगा? बी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो इज वन, आंसर वेबर में, राइट? अब बताओ एंगल क्या होगा अगर लूप ने, इधर बोलो एंगल क्या होगा अगर लूप ने एंगल 30 डिग्री बनाया फील्ड के साथ, तो एरिया वेक्टर ने क्या बनाया? 90 माइनस 30, 60। निकाल लोगे आंसर 60 के साथ, एन बी आई ये जो सॉरी बी इंटू एरिया इंटू 60। नेक्स्ट है, अगर पैरेलल टू द फील्ड बनाया, पैरेलल, अगर पैरेलल का मतलब लूप ने एंगल कितना बनाया फील्ड के साथ? जीरो। तो एरिया वेक्टर ने 90 माइनस जीरो 90, तो आंसर 90 के साथ। कोई डाउट इसमें? इंपॉर्टेंट मार्क करो इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है, भूल जाओगे नहीं तो करते करते, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो कि मुझे एंगल माइनस भी करना है। क्वेश्चन नंबर टू नहीं देखना, क्वेश्चन नंबर थ्री देखना है। क्वेश्चन नंबर थ्री में मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी है? फाई गिवन है, ठीक। आपको क्या निकालना है? इंड्यूस करंट निकालना है, आई निकालना है, ठीक, इंड्यूस करंट थ्रू द क्वाइल
एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड जब रेजिस्टेंस 5 ओम है। तो एक काम करते हैं, आपको फ्लक्स पता है, आप इसे डिफरेंशिएट कर लें, इसे मॉड निकाल लें। मॉड क्यों? क्योंकि करंट क्या होता है, मॉड ऑफ ई बाय आर। तो माइनस साइन तो वैसे भी डायरेक्शन शो करती है, और इसमें डायरेक्शन हमने कैलकुलेट ही नहीं करनी, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट निकालना है। तो आप इसे डिफरेंशिएट करें और टाइम को क्या पुट करें, 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड पे ईएमएफ आ जाएगी 78 वोल्ट, कर लोगे। फिर रेजिस्टेंस पता है, ईएमएफ और रेजिस्टेंस को डिवाइड करके करंट कैन बी कैलकुलेटेड। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो एक बार। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, स्क्वायर लूप ऑफ साइड, साइड का मतलब क्या आ जाएगा, एरिया, एरिया गिवन है। ठीक। नेक्स्ट क्या गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, इज प्लेस्ड ईस्ट वेस्ट प्लेन। तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो इमेजिन करो कि एक लूप है और इसको ईस्ट वेस्ट प्लेन में रखा गया है, ये रहा ईस्ट वेस्ट प्लेन ऐसे। तो मैं आपको इसका टॉप व्यू दिखाऊंगा, ये ईस्ट वेस्ट है और ये नॉर्थ साउथ है। तो आपको जो क्वाइल है उसका टॉप व्यू ऐसा दिखेगा, ये रहा, बोर्ड के अंदर पड़ा हुआ है, टॉप व्यू से देख रहे हैं, राइट, ईस्ट वेस्ट प्लेन है। ठीक है यहां तक? एंड देखो, मैंने ये बताया एक स्क्वायर लूप है, ठीक, एक स्क्वायर लूप, ये रहा स्क्वायर लूप, ये ना ईस्ट वेस्ट की तरफ है। तो अब मैं बोर्ड पे ऐसे बनाना मुझे मुश्किल लग रहा है, तो मैंने ना ये लाइन बना दी बस टॉप व्यू से, ये लाइन बस, इस टॉप व्यू की फोटो खींचोगे तो लाइन दिखेगी ना, बस ये रही बस लाइन। अच्छा प्रैक्टिकली कर दूं, अच्छा ये लो, ये लूप दिख रही है, ईस्ट वेस्ट के अलोंग है, ये लो, अच्छा अच्छा चलो। उसने बोला एक लूप है प्लेस्ड वर्टिकली, अब ठीक है, तो प्लेस्ड वर्टिकली ईस्ट वेस्ट के ऊपर, ठीक है, तो ये साउथ, ये ईस्ट वेस्ट जा रहे थे, मैंने ऊपर रख दिया, अब ठीक है वर्टिकली। आगे यूनिफॉर्म बी इज सेट अप अक्रॉस द प्लेन इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब नॉर्थ ईस्ट तो यहां कहीं होगा नीचे, नॉर्थ ईस्ट सामने है, तो नॉर्थ ईस्ट में जैसे ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो बी वेक्टर कहीं यहां पर है। अब बी वेक्टर अगर यहां पर है और ये जो लूप मैंने लिया था, इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, ऐसे होगा या ऐसे होगा, कुछ तो होगा। तो एरिया वेक्टर ऑब्वियसली इसका यहां ले ले, ये एरिया वेक्टर है परपेंडिकुलर टू दी लूप, ये रहा लूप ऐसे था। एरिया वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल क्या बनेगा, 45। नॉर्थ ईस्ट का मतलब एंगल, चाहे यहां से लो 45, चाहे यहां से लो 45, 45 बनेगा। तो बी और एरिया में एंगल कितना आ गया, 45। ये पॉइंट समझ में आ गया? ठीक, क्लियर एंड मूल? कोई डाउट इसमें? फिर से लूप दे, ये लूप है,
ईस्ट वेस्ट है, ठीक। बी वेक्टर नॉर्थ ईस्ट है, बोल नॉर्थ कहां ले, उधर नॉर्थ ले लें, इधर साउथ ले लें, ठीक। ये नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, तो बी वेक्टर यहां ले लें टेढ़ा, ये देख ऐसे ले बोर्ड के पीछे ऐसे, नॉर्थ ईस्ट। तो ये बताओ कि जो एरिया वेक्टर है लूप का वो तो पीछे ऐसे बनेगा, बी वेक्टर ऐसे बनेगा, तो एरिया और बी में एंगल क्या बनेगा, 45, राइट। नीचे क्या क्या एरिया, एरिया नहीं हो सकता क्योंकि लूप वर्टिकल है ना, अगर लूप हॉरिजॉन्टल होता जैसे आप सोच रहे हैं तो फिर एरिया वेक्टर ऐसे होता। हाँ वो हो सकता है, वो हो सकता है, पर मैंने फ्लक्स को पॉजिटिव ही रखा तो मैंने 45 डिग्री ले लिया। हाँ ये हो सकता है, एरिया वेक्टर नीचे लेके ये 90 प्लस 45 बन जाए, ये हो सकता है, फिर उसमें फ्लक्स नेगेटिव आएगा, पर ये इतना मैंने कर लिया कि वो लेस देन 90 रहे, ठीक है यहाँ तक। हाँ वो मेंशन नहीं, वैसे वो कुछ भी हो सकता है, या तो मुझे करंट दे देना फिर मैं बता दूँ, पर आप छोटा एंगल लेके चलो 45, कोई डाउट इसमें। अब बी और एरिया में एंगल क्लियर है, देखो बी और एरिया में एंगल कितना है, 45 है। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी कितना, 0.10 टेस्ला मैंने सेट किया मैग्नेट, और ये इनिशियल किया, बाद में मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्या कर दिया, जीरो, बाद में मैग्नेटिक फील्ड बी क्या किया मैंने, जीरो। ये भी क्लियर है, इनिशियल फाइनल क्लियर है। आगे कितनी देर में किया, इन टाइम 0.70 सेकंड में किया। फाइंड इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट, पहले इंड्यूस ईएमएफ निकालते हैं। इंड्यूस ईएमएफ क्या होती है, माइनस डी फाई बाय डी टी, माइनस डी फाई की जगह माइनस फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक। इनिशियल फ्लक्स बोलो क्या होगा, पी इनिशियल इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ 45। फाइनल फ्लक्स क्या होगा बोलो, बी फाइनल इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ 45, पर फाइनल फ्लक्स क्या है, जीरो, इनिशियल तो आप निकाल लोगे, ठीक। तो ईएमएफ के फॉर्मूले में माइनस फाइनल फ्लक्स जीरो, इनिशियल आप निकाल लोगे, टाइम आपको गिवन है 0.70, माइनस माइनस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब अगर आप माइनस डी फाई बाई डी टी भी लेते हो तो कोई टेंशन नहीं, आपको मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं कि मैग्नीट्यूड लेना है, आप एज इट इज फॉर्मूला यूज करें, माइनस डी फाई बाई डी टी, डी फाई को लिख ले फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, और फाइनल फ्लक्स जीरो आएगा क्योंकि बी की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, और माइनस माइनस ऑटोमेटिकली प्लस। क्लियर यहां तक, फिर आप वैल्यू पुट कर लेना क्योंकि ये प्लस हो गया और इनिशियल फ्लक्स मैंने आपको बता दिया, बी आई इंटू एरिया इंटू कितना, कॉस ऑफ 45 अपॉन 0.70, बी पता है एरिया पता है इसको सॉल्व करके आंसर 1 मिलीवोल्ट आ जाएगा, ठीक। इसने हालांकि अलग यूज किया, 45 समझ में आ गया, फ्लक्स इसने पुट किया कॉस 45 से ये रहा, तो चेंज इन फ्लक्स का मैग्नीट्यूड ही निकाल लिया, उसने कहा बड़ी में से छोटे को माइनस कर लेते हैं, इसमें इसलिए चल जाएगा क्योंकि फाइनली उसे करंट निकालना है और करंट में ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालना है। पर मेरी रिकमेंडेशन है आप माइनस डी फाई बाई डी टी लगा लो, माइनस माइनस अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, बाई चांस अगर आपका आंसर यहां माइनस आता है कोई टेंशन, यहां मॉड ले लेंगे यहां पर आंसर आ जाएगा। तो ईएमएफ आ गई, उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करके करंट कैन बी कैलकुलेटेड। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, इसमें डायरेक्शन में थोड़ा सा ट्रिक था, अदरवाइज इतना मुश्किल नहीं है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। चलो एक आसान और क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, आप प्लीज क्वेश्चन रीड करें। कितने लोगों को समझ में आ गया, ठीक। देखो क्वेश्चन में कैसे करना है, इधर देखो, इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस गिवन है आर, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 1000, एंड आपको यह गिवन है कि इनिशियल फ्लक्स गिवन है
एंड फ्लक्स फॉल्स, फॉल्स का मतलब कम हो गया फ्लक्स, कितनी देर में, पॉइंट वन सेकेंड में। ईएमएफ कितनी है, मैंने बताया था ईएमएफ नंबर ऑफ टर्न्स की फॉर्म में क्या होगा, माइनस एन डी फाई बाई डी टी, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। फाइनल फ्लक्स कम है, इनिशियल ज्यादा है, डिफरेंस नेगेटिव में आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 वोल्ट। तो ईएमएफ 5 वोल्ट है, तो फिर करंट क्या होगा, ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आंसर। ठीक है यहां तक क्लियर है? ये क्वेश्चन देखो प्लीज, कॉइल का 7 साल बताओ, क्या गिवन है, डायमीटर, डायमीटर से क्या जाएगा, रेडियस, रेडियस से क्या जाएगा, एरिया। अब वो कह रहा है इस प्लेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, लूप बी के साथ 90 डिग्री पे है, तो थीटा बी और ए के बीच में क्या होगा, 90 माइनस 90 जीरो, लूप का एंगल 90 है ना, पर हमें तो एरिया वेक्टर चाहिए, तो एरिया वेक्टर 90 में से 90 जीरो, ऐसे करते हैं ना, पहला क्वेश्चन यही था। तो अब वो कह रहा है कि ईएमएफ 11 वोल्ट है, मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज टू, पहले मैग्नेटिक फील्ड इनिशियल कितना है 6000 और फाइनल कितना हो गया 1000 और कितनी देर में, टाइम 4 सेकेंड में, क्या निकालना है इसमें, नंबर ऑफ टर्न्स, सेम रूल है, ई इज इक्वल टू माइनस एन फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल फ्लक्स की जगह क्या पुट करेंगे, बी फाइनल एरिया इंटू कॉस ऑफ जीरो, इनिशियल की जगह बी इनिशियल इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ जीरो, इनिशियल और फाइनल बी तो आपको पता ही है, ऑब्वियसली फाइनल कम होगा इनिशियल ज्यादा है, तो डिफरेंस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहां तक, आपने काम करना है, बचे हुए क्वेश्चंस खुद देखने हैं और फिर इसकी अनसॉल्व जो प्रॉब्लम चल रही है आगे, ये वाली, ये सारे क्वेश्चन आपके नेक्स्ट टाइम होने चाहिए, ये सारे, और ये स्पेशली ये वाला, ये तो पक्का आएगा, 11th क्वेश्चन बहुत बार आता है, 11th इज इंपॉर्टेंट, और ये अनसॉल्व प्रॉब्लम, ये ए की फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, माइनस डी फाई बाय डी टी। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं यहां ट्राई करूं, इट्स बेटर कि आप ये सारे क्वेश्चन ट्राई करें और फिर नेक्स्ट टाइम इसके डाउट्स लिए जाएं, ताकि आप खुद ट्राई कर सके, राइट? याद क्लियर है? थैंक यू, आवर टाइम ठीक।